हाय दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर वन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। आपको ये स्टेटमेंट्स बतानी है, इनमें कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, और अपने आंसर को फिर जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि हर इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर होता है। तो दोस्तों ये ट्रू है। ट्रू इसलिए है क्योंकि रियल नंबर के अंदर आपके इरेशनल और रैशनल दोनों आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को मैं लिखूंगा ट्रू। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये आपका रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर आपके रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। तो हर इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर होता है, तो ये ट्रू है। लैंग्वेज में इसे लिखेंगे सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स is made up of rational and irrational numbers. Second part में कहता है, every point on the number line is of the form root m, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कि नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नेचुरल नंबर का जो रूट करेंगे वो आपका इस फॉर्म का होगा। दोस्तों ये बिल्कुल फॉल्स है। इसका रीजन क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। कि नेचुरल नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर तो आपके जो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कोई भी रैशनल नंबर है 9 है। अब 9 का जब आप रूट करेंगे तो जो इसका आंसर होगा ना वो पॉजिटिव ही आएगा। हर नेचुरल नंबर आपका पॉजिटिव होता है। अब हर नेचुरल नंबर आपका पॉजिटिव होता है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी पॉजिटिव ही आएगा, हर बार पॉजिटिव आएगा। और ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म दिस, कि नंबर लाइन के हर पॉइंट, नंबर लाइन का पॉइंट तो आपका -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। ये कहता है कि नंबर लाइन पे जो हर पॉइंट होता है वो आपका रूट एम की फॉर्म का होता है, जहाँ पे एम आपका नेचुरल नंबर होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि नेचुरल नंबर है और उसका जो स्क्वायर रूट है वो आपका माइनस आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये फॉल्स है। लैंग्वेज में लिखेंगे नो नेगेटिव नंबर, ये फॉल्स है। क्यों है? बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। बताया ना मैंने आपको कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। चलिए थर्ड पार्ट में है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि हर रियल नंबर आपका इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी फॉल्स है, और इसको मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल से समझा सकता हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि एवरी रियल नंबर, यानी कि हर रियल नंबर आपका इरेशनल नंबर होगा। तो रियल नंबर, सारे के सारे जो रियल नंबर होते हैं ना, वो आपके इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, उनमें रैशनल नंबर भी तो होते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। लैंग्वेज में लिखेंगे, आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 इज अ रियल नंबर, 5 रियल नंबर है
बट नॉट इरेशनल। तो जो रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल दोनों मिलके होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो सारे रियल नंबर होते हैं वो सारे ही इरेशनल होते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन टू कहता है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं जो आता है क्या वो इरेशनल होता है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो आप एक एग्जाम्पल से बताइए कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए और दिखाइए कि वो रैशनल है। तो पहले तो इसका जो आंसर है वो नो है, कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नहीं होता है। अब समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं 4। अब 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 आएगा, और जो 2 है वो तो रैशनल नंबर है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, और भी ढेरों एग्जाम्पल हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। आप 9 ले लीजिए, 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 3 आएगा, और 3 एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए ये नो है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत आता है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको दिखाना है कि रूट 5 की जो वैल्यू होती है ना उसे आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें एक नंबर लाइन बनानी है, आप इसमें एक नंबर लाइन बनाएंगे, फिर अपने कंपास से इक्वल डिस्टेंस पे इस पे जो पॉइंट्स हैं उन्हें मार्क करेंगे। कोई भी वैल्यू ले लीजिए कंपास पे, अपनी मर्जी से कितना भी खोल लीजिए नॉर्मल, और फिर इक्वल डिस्टेंस पे इन्हें लगाइए। मान लीजिए यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ मेरा -1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 एंड सो ऑन। अच्छा, अब रूट 5 की जो वैल्यू आपको दिखानी है ना, इसमें पाइथागोरस का थोड़ा सा आपको यूज़ करना है। देखिए रूट 5 आपका कब आता है, हाइपोटेन्यूज में रूट 5 आपका कब आएगा, जब इसकी एक साइड आपकी 2 हो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, एक साइड आपकी 1 हो तो 1 का स्क्वायर। यानी कि एक साइड अगर आपकी 2 है तो 2 का स्क्वायर, और दूसरी इसकी 1 है तो 1 का स्क्वायर, और अंडर रूट होता है आपका हाइपोटेन्यूज, तो आपकी रूट 5 आ जाती है। तो यहाँ भी आपको एक राइट ट्रायंगल तैयार करना है जिसमें आपको एक साइड तो लेनी है 2, तो मैं नीचे वाली साइड को 2 ले लेता हूँ, और यहाँ से ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा पहले तो, क्योंकि राइट ट्रायंगल बनाना है। ये मैंने राइट एंगल बनाया। अब इसके ऊपर जो मुझे वैल्यू लेनी है वो एग्जैक्टली यही लेनी है जितना मैंने यहां नाप के किया था इसको, जितना 1 मेरा ये है ना, ये इतना ही होना चाहिए इसके ऊपर भी, इस तरह से। इसको मैं 2 से ज्वाइन कर दूंगा। इसको 2 से ज्वाइन किया तो ये मेरा राइट ट्रायंगल तैयार हो गया, जिसमें ये साइड मेरी 2 है और ये वाली साइड मेरी 1 है, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट।
तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो तो रूट फाइव होगा, यानी इस लाइन की जो लंबाई है ना वो रूट फाइव की वैल्यू के बराबर है। अब इस हाइपोटेन्यूज को मैं अपने कंपस के ऊपर ले लेता हूँ, इस मेजरमेंट को, ये मैंने कंपस पे ले लिया। अब जीरो पे रख के अपने नंबर लाइन के ऊपर मैं इसे ऐसे कट कर देता हूँ। तो नंबर लाइन पे जहाँ ये कट हुआ है यही वैल्यू आपकी रूट फाइव है। ये टू टू पॉइंट समथिंग आया है ना, 2.2 या 3 समथिंग होगा, यही आपकी रूट फाइव की वैल्यू है। आप इसे प्रैक्टिकल भी करेंगे ना, रूट फाइव की वैल्यू निकालनी आपको आती होगी डिवीजन मेथड से। तो जितना यहाँ पे आएगा ना 2 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्टली नंबर लाइन के ऊपर भी उतना ही आएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आता है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 थी। ये तीनों क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।